Hello, welcome back to my channel. Thank you joining again. Thank you so much. आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ और जिन्होंने पहले से करा है, थैंक यू सो मच. और मैं ये चाहूँगी कि आप सब ठीक ठाक रहें. आज मैं वर्क परमिट के नाम पर जो आजकल फ्रॉड चल रहा है, पहले भी मैंने ऑडियोज़ बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, तो आज मैं एक ऑडियो बनाने लगी हूँ एक कॉलर के साथ ही. तो एक्चुअली क्या है, जो कनाडा यूएस में बैठे हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं. उन्हें तो होना नहीं चाहिए, वो फिर भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और वो 40-45 लाख दे रहे हैं. तो ये चाहे वो नैनी के वीज़े के लिए दे रहे हो, नैनी के वर्क परमिट के लिए दे रहे हों, चाहे वो किसी भी वर्क परमिट के लिए दे रहे हों, तो 40 लाख जो अमाउंट है वो छोटी मोटी तो है नहीं अमाउंट अगर देखा जाए तो. और इसमें अगर वो छोटी मोटी अमाउंट है नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ के पैसे हैं जो हम सेविंग करते हैं, अगर वो भी हम वेस्ट कर दें और हमें लगे कि वो बंदा हमारे साथ सही कर रहा है, तो ये हमारी गलत फहमी है. आप टेक्निकली कभी सोचते ही नहीं हैं, आप बस ये सोचते हैं कि इंडिया में बैठा हुआ बंदा है, उसे हमें यूएस कैनेडा लेके आना है. पर आपने कभी ये सोचा है कि वो 40 लाख बहुत ज़्यादा बिग डील है? 40 लाख बहुत ज़्यादा बिग डील है, क्योंकि पूरी लाइफ की कमाई निकल जाती है. इतना तो एजेंट ने पूरी लाइफ में नहीं कमाया होगा जो एक बार एक ही बच्चे से कमा लेता है, और जबकि बहुत ज़्यादा गलत है. ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वैसे मैं एडवाइजेबल कभी देती नहीं हूँ ये चीज़. अब जैसे रिसेंटली मेरे को 4-5 दिन पहले न्यूयॉर्क से फ़ोन आया, तो उन्होंने पहले मुझे पूछा कि आप नैनी की फ़ाइल लगाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नैनी की फ़ाइल नहीं लगाती हूँ. तो वो कहने लगे हमारे पास LMI तैयार है, हमें कनाडा से LMI मिल रही है, तो कनाडा वाला हमसे 40 लाख है. मेरे पास उसकी मैं आपको उनकी सुना भी देती हूँ, और जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा. तो आप ना दे तो बेटर है. देखो आप एक सुनिए, कॉलर का फोन आया. हेलो, सत श्री अकाल जी. हाँ जी, वीर जी डॉक्टर मनदीप गल कर रही है, दसो वीर जी. मैं ना पूछना सी तुसी नैनी का केस कर दो? नहीं, मैं फाइलिंग वीजा नहीं लाते. एक्चुअली की है कि मेरे व्यू विच नहीं आंदा, एक इंडिया ते ही, सॉरी कनाडा ते ही लग सकता है. जिवें किसी ने अगर यूएस ते, तुसी न्यूयॉर्क ते बोल रहे हो? हाँ जी, जिवें तुसी किसी नूं बुलाना ते इत्थे जिहड़ा इमीग्रेशन लॉयर होगा ओह कर सकता है. मैं नहीं कर सकती कुछ, मैं तो सिर्फ पढ़ा सकती हैगी ते इंटरव्यू दी तैयारी कर सकती. पर ये ना हो ना कि बंदे ने 6 मिनट, अगर अमेरिका वास्ते बंदा अप्लाई कर रहा है तो उन्हें 1 ईयर का कोर्स करना पड़ेगा. अमेरिका और कनाडा विच फर्क बहुत है. कुछ बच्चे कनाडा विच 6 मंथ का, नाल कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो उतना नहीं मतलब कि मैं होने को कनाडा लवर सी हूं, मैं पहल देती हूं यूरो की. उन्होंने बस कले डॉक्यूमेंट ही ले लिया. हां, की नाम है थोड़ा वीर जी? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है. अच्छा अच्छा, तुसी वीडियो देखी से? डिपार्टमेंट है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ऑनलाइन सिर्फ वर्क परमिट अप्लाई करना है. वो भी तो मैंने उनको प्रूवल है कि वो कह रहे कि तो जैसे कि हुन वर्क को ना चढ़ने देना, मैं 10-15 दिन बाद ना चढ़ के फिर तो अप्लाई कर देना है. तू भी अगर उनको वर्क परमिट है सिर्फ मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हूं, पर मैं वो नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन दे तनू जेड़ा कोई बंदा करता है ना, मैं उसका नंबर दे दूंगी चंडीगढ़ में, तो उन्हें सिर्फ थोड़े को ऑनलाइन दे पैसे लेने होंगे, और कुछ नहीं. जेड़ी एंबेसी दे पैसे होंगे. मतलब ये भी किन्नी, मतलब चीज किन्नी होगी जो आप लिखते हो? देखो सर, आइडिया है कि
ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 10,000 ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਬੱਚਾ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,00,000 ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 20,00,000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ LMI ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਵਾਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40,00,000 ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ? ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਕ LMI ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਆਣੀ ਸੌਖੀ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ PR ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ PR ਹੂੰ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋਬ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਵਨ ਨੈਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੈਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਅਬ ਯੇ 40,00,000 ਕੇ ਚਾਨਾ ਚੌਕ ਮੇਂ ਵੋ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਪਰ ਯੋ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ 40,00,000 ਦੇ ਕੇ, ਵੋ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਸਹੀ ਵੇ ਉਠਾਓ, ਸਹੀ ਲੋਇਰ ਸੇ ਮਿਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਯੇ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ LMI ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇਤਾ ਹੈ, TF ਵਰਕਰ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ, ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਬ ਯੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਵੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੈ, ਤੋ ਜਬ ਮੈਨੇ ਇਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਤੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਉਹਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤੋ ਕਹਤਾ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੈਨੇਡਾ 40,00,000 ਸੌਖੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਇੱਕ ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਹਿ ਦੂੰ ਕਿ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੀਏ, ਤੋ ਉਹ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਮੇਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਤੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੁਝੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਕੇ ਮੇਂ ਵੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜੋ ਏਜੰਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸ, ਕਭੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਭੀ ਵੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾਮ ਪਰ ਆਪਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇਤੇ, ਔਰ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਪੇਨ ਔਰ ਨੋ ਗੇਨ। ਜਬ ਤੱਕ ਆਪਕੋ ਪੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੋ ਗੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਥੋਟ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਬਚਪਨ ਸੇ ਸੁਣਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਕੰਫਰਟ ਮੇਂ ਬੈਠੇਂਗੇ ਔਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯੇ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਹਮੇਂ LMI ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਆਪ ਹਮੇਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਆਪ ਹਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਵੋ ਤੋ ਆਪ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਨੇ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਉਸਕੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇਂਗੀ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ।
पर अगर वो कहे कि किसी को मैं 40-45 लाख दे के मुझे कंफर्ट मिल जाए, तो वो उसकी गलत फहमी है। उसे 40-45 लाख तो नहीं मिलेगा, पर उसे पेन जरूर मिल जाएगा। आपसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसा कौन आ गया बंदा जो आपको प्रूव्ड LMI रखता है बना के? अगर LMI ऐसे प्रूव्ड हो ही नहीं सकती है जब तक TF यानी कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर की एड ना निकली हो और उसके लिए कोई वैकेंसी ना हो, क्योंकि वो जो TF वर्कर होता है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर होता है, उसके लिए पहले बकायदा एम्बेसी में सारा कुछ उसकी वेरीफाई होती है, एम्प्लॉयर की वेरीफिकेशन होती है। पर ऐसे तो नहीं है कि उसके पास खजाना पड़ा हो और स्टोर में LMI ही पड़ी हों? आपने कभी ये बातें सोची हैं? और आप 40 लाख कैसे दोगे? आप अपनी 40 लाख कैसे दोगे? मुझे ये भी पता है, आपको भी पता है, आप अपना घर बार बेचोगे तो 40 लाख दोगे, और किसके लिए दे रहे हो? कंफर्ट जोन के लिए दे रहे हो। आप देख रहे हो कनाडा में सब कुछ है, ये है वो है, तो मैं 40 लाख दे देता हूँ तो 2 साल में तो मैं 40 लाख कमा ही लूंगा। तो आपको यहाँ लगता होगा कि कनाडा बहुत अच्छा है। कनाडा अच्छा है, ज़रूर अच्छा है, पर वहाँ के जो भी सिटीज़न है, वहाँ जो इंडियंस है, कोई भी वहाँ है, वो वर्क कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तब वो जाते, जब वो पेन लेते हैं तभी उनको पैसे गेन होते हैं। पर वो अगर बैठे बैठे रिमोट से कहें कि ये कर दो वो कर दो, तो ऐसे उन्हें पैसे ही भी नहीं प्रोवाइड होते। यानी कि हम अगर मेहनत करेंगे, यानी कि पेन इज़ द गेन, अगर हम कोई काम करेंगे तब हमें उसका फल भी मिलेगा। अगर आप कोई मेहनत ना करो और आप ये सोचो कि एजेंट पर निर्भर हो, वो आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं। अगर आपने ऐसे पैसे वेस्ट करने हैं वो आप करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ अवेयरनेस वीडियो दूंगी। अगर कंफर्ट जोन में आप सोचते हो कि आप कनाडा पहुंच जाओगे, ये आपकी बहुत गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा ना हो कि आप सारा कुछ अपना वेस्ट कर दें और बाद में आपको ये इल्म हो कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है। तो दोस्तों, ये है अवेयरनेस वीडियो, इसलिए कि काफ़ी लोग अपने पैसे ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, ना करें, उन्हें ऐसे घुमराह भी करा जा रहा है, वो ना करें। अगर वो ऐसे वेस्ट करेंगे, नुकसान उनकी फैमिली में और उनके आने वाले कल में ज़रूर है। अगर हम एक ही बंदे को 40 लाख दे देंगे तो पूरी फैमिली, पूरी ज़िंदगी हम सर्वाइव कैसे करेंगे? कभी आपने इल्म है आपको इस चीज़ का? कभी आपने सोचा है? सोचिए, अच्छी तरह सोचिए, कोई भी स्टेप उठाना हो, किसी के पास भी जाना हो, 10 बार सोचिए, 10 बार गुफ्तगू करिए अपने घर में, डिस्कशन करिए अपने घर में अपने परिवार के मेंबर से। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे सकती हूँ। पर मैं किसी की इम्पॉर्टेंट नोटिस में हमेशा ये कहती हूँ कि मैं किसी का फाइलिंग वीज़ा में कोई डील नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ, ना ऐसी चीज़ों में पढ़ना चाहती हूँ। सिर्फ मैं नॉलेज देती हूँ, अवेयरनेस वीडियो देती हूँ, जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आपको ये मेरा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे वीडियो सारे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए मैं दिलो दिल से थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है। तो आप अपने पैसे बचाइए। तो अगर कनाडा, मैं कहती हूँ कनाडा जाओ, पर सही तरीके से जाओ, सही वे से जाओ, क्योंकि वो जो पैसे वेस्ट कर रहे हो, कल से आप पूछा जाएगा कि आप कभी कह दोगे कि इस एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड करा, तो आपसे पुलिस पूछेगी तो आपकी भी तो सहमति थी। आप तो ये कह दोगे ना कि इस एजेंट ने मेरे साथ ऐसे फ्रॉड करा, उसमें आपसे भी तो पूछा जाएगा कि आपकी भी तो रजामंदी थी, तभी तो आपने ये सारा करवाया। उसमें देखो एजेंट कसूरवार नहीं है, उसमें आप भी कसूरवार उतने ही हो, आपकी विश से सारा कुछ हुआ है, इसीलिए आप ये चीज़ें ना करो तो बेटर है। अगर जाना है तो सही तरीके से जाओ, अगर नहीं जा अगर ऐसे गलत तरीके से जाना है तो ना जाओ। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं किसी के लिए, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी लाइफ है, पर आपके 4 पैसे अगर बच जाए वो कहीं अच्छी जगह काम आ जाएंगे।
और उसके लिए मैं पहले ही थोड़ा सा जो है ये मैं अपने विचार प्रकट कर दिए हैं इसके लिए, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती हूँ काफ़ी चीज़ों को, ये काफ़ी लोगों को हर्ट्स भी करते हैं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर ये आपके पैसे हैं, इसमें ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ना आपकी फ़ाइल लानी, ना आपका वीज़ा लाना। मैंने सिर्फ आपको अवेयरनेस वीडियो दे दी है, तो अगर जाना है सही तरीके से तो आप टूरिस्ट वीज़ा लगा के वहाँ जाके ग्राउंड रियलिटी देखो, यानी कि दूर के ढोल सुहाने बहुत लगते हैं। अब मुझे यहाँ पर लगता है हाय कनाडा, हाय कनाडा, हाय कनाडा, कनाडा ना हो गया स्वर्ग हो गया। अगर कनाडा जाना ही है वहाँ जाके ग्राउंड रियलिटी पहले देखो, क्या वो वाजिब है मेरे लिए? अगर वो मेरे लिए वाजिब है तो मैं जाऊँ, अगर वाजिब नहीं है तो ना जाऊँ, अगर वो फायदेमंद है तो करूँ। क्योंकि हर चीज़ को जब तक हम चना हमें दूर से कनाडा चमका हो रहा है पर हमने वहाँ अभी गए नहीं है। अब जैसे मैं इंडिया में बैठी हूँ और मुझे कनाडा बहुत अच्छा लगता है, मुझे US भी बहुत अच्छा लगता है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा लगता है, पर वहाँ जाके ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी जब देखते हैं तो काफ़ी कुछ पता लगता है। ज़मीनी हकीकत ज़रूर देखनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। इसको आपको मैं ये अवेयरनेस दूंगी, वो आपकी मर्जी है, आपने यूटिलाइज करनी है या नहीं करनी है, योर विश। आप सोच लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है और टाइम है, और जो पैसे के साथ आप टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और उस पैसे को आप अगर वेस्ट कर दें तो उसके साथ तकलीफें भी बहुत हैं। इसके लिए आप दिल से पहले दिमाग से सोचिए। अगर मेरा वीडियो आपको ऑडियो सॉरी अच्छा लगा हो, माफ़ी सॉरी अच्छा हो, लाइक करिए। और बाकी अगर कोई मेरे से वीडियो में कुछ गलत कहा गया हो उसके लिए पहले ही आपको आपके दिल में अगर हर्ट करा होगा तो उसके लिए गुस्ताखी माफ़ सॉरी। अच्छा लगा लाइक करिए, ऑडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।